हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टेगा इंडस्ट्री के बारे में, जो कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त वैल्यू रखती है मार्केट के अंदर माइनिंग के बिजनेस से रिलेटेड। और इस कंपनी ने दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस कमाया है, यानी कि ये कंपनी ऐसी नहीं कि 2-4 साल पहले आई है और अभी मार्केट में परफॉर्म कर रही है। टेगा इंडस्ट्री काफ़ी समय से मार्केट के अंदर वैल्यूबल सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड भी कर रही है। और दोस्तों कंपनी ने लिस्टिंग के बाद में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर दिखाया, बट जितनी तेज़ी और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वैसी और भी इसके अंदर दिखाई नहीं दी। अभी आपको अगर इस कंपनी में आगे जाकर बहुत बड़े मौके मिलेंगे तो उसका फ़ायदा आपने लेने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा क्या खास है टेगा इंडस्ट्री में और क्यों हम सभी को ऐसे कंपनी पर नज़र रखनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो खासियतें देखी है टेगा इंडस्ट्री की, वो आपको दूसरे किसी कंपनीज के पास देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेगा इंडस्ट्री के पूरे डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि टेगा इंडस्ट्री ये कितने पुराने समय से मार्केट के अंदर वैल्यूबल अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। टेगा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी 1976 के अंदर, यानी कि दोस्तों इस कंपनी ने 40 साल से भी ज़्यादा टाइम पीरियड मार्केट के अंदर स्पेंड किया है। टेगा इंडस्ट्री अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्पेशलाइज क्रिटिकल एंड रिकरिंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। ग्लोबल लेवल पर मिनरल से रिलेटेड काम करने वाले या माइनिंग से रिलेटेड बिजनेस करने वाले सभी कंपनीज़ को ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट यहाँ पर सप्लाई करती है कंपनी। एंड सेकंड, अब इस बात को याद रखना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉलीमेयर बेस्ड मिल लाइनर। तो कंपनी के पास की एबिलिटीज़ आप समझ सकते हैं और ग्लोबल लेवल पर ये कंपनी काफ़ी धमाकेदार तरीके से बिजनेस कर दिखाती भी है। अभी यहाँ पर हम अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके पास देखिए रबर से रिलेटेड, यहाँ पर हम स्टील से रिलेटेड देख सकते हैं, ऐसे सभी हाई वैल्यूबल मिनरल या माइनिंग के जो सेक्टर है उन सभी को ये कंपनी अपने सर्विसेस एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। और दोस्तों कंपनी के पास अगर यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेशनल फुटप्रिंट जो है, तो वो है देखिए इसके पास 70 देशों के क्लाइंट अवेलेबल है और 70 देशों में टेगा इंडस्ट्री का बिजनेस फैला हुआ है। और इसका रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से ही दोस्तों सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि फाइनेंशियल यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देखेंगे 2022 के जो उसके अंदर अपडेट आया है, तो 90% कंपनी का रेवेन्यू अदर कंट्रीज से आता है। और आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका से 13%, साउथ अमेरिका से ये 27%, एशिया पैसिफिक से 11, अफ्रीका से 26, और यहाँ पर अदर जो सेक्टर है या हम कंट्रीज़ कहेंगे वहाँ से 13%। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनके पास आपको 6 देखने को मिलेंगे और अलग अलग सिटीज़ में हैं। गुजरात के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पर दूसरे भी ऐसे स्टेट या यहाँ पर हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर इनके पूरे 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। और एक बड़ी बात कि ये कंपनी रॉ मटेरियल से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस करती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है इनके पास और कंपनी को ऑर्डर भी हज़ारों करोड़ों के मिलते ही रहते हैं। और दोस्तों इस कंपनी का IPO भी अभी फ़िलहाल ही मार्केट में आए हुआ नज़र आता है, मैं आपको और भी डिटेल बताने वाला हूँ। उससे पहले टेगा इंडस्ट्री के बारे में आपको जानकारी बता देता हूँ कि ये कंपनी स्मॉल कैप की है। देखिए अगर मार्केट में और हमें करेक्शन देखने को मिले तो ऐसे स्टॉक पर हमारी नज़रें रहनी चाहिए जिनका बिजनेस काफ़ी यूनिक और बेनिफिशियल हो। टेगा इंडस्ट्री के यहाँ पर हम अगर P/E को भी देखें तो ऐसा नहीं कि दोस्तों बहुत महंगा शेयर या बहुत ही हाई वैल्यू पर
पी रेशो है बोलकर। रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, 21 का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और 20 का आपको रिटर्न ऑन इक्विटी नज़र आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है तो टेगा इंडस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंस दोस्तों बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है FIS का DIS का। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 74% के ऊपर का स्टेक है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त स्टेक है। और इसके बाद में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो DIS ने धीरे धीरे बहुत माल उठा लिया। उनके पास देखिए एक टाइम ऐसा था कि 7-8% स्टेक था, फिर उन्होंने 10-11 किया, 12, फिर 16 और अभी 17% है DIS के पास। और DIS में कोई ऐसे छोटे मोटे निवेशक नहीं है दोस्तों, SBI लार्ज मिड कैप फंड, HDFC ट्रस्टी, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज है, टाटा एशियन लाइफ ये भी यहाँ पर एक फंड है जो इनके अंदर निवेश किए हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्ट ये भी इनके अंदर पैसा लगाए हैं। तो टेगा इंडस्ट्री में कोई यहाँ पर धमाकेदार एबिलिटी है बोलकर ही इन्होंने पैसा लगाया होगा ना, ये बातें थोड़ी समझनी चाहिए। और FIS के पास भी 1.5-2% के करीब का स्टेक है। अभी देखिए टेगा इंडस्ट्री में कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर है पब्लिक की होल्डिंग कम, यानी कि ये जब शेयर परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो किसी के हाथ को भी यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी स्ट्रांग एबिलिटी इस कंपनी के अंदर दिखाई देती है। और दोस्तों अभी आपके माइंड में आएगा कि सर कर्ज़ा कितना है कंपनी पर, बातें तो कंपनी के बारे में हमने देख ली बट कर्जे के बारे में क्या है। तो लॉन्ग टर्म की बोरिंग देखिए दोस्तों 38 करोड़ की कंपनी पर है, और ये आपको ज़रूर पता होना ही चाहिए। आप जैसे कि हम कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न या इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह की बात करें तो ऐसा कुछ भी अपडेट वगैरह कंपनी के पास अभी दिखाई नहीं देते हैं। और टेगा इंडस्ट्री का शेयर अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है देखिए दोस्तों लगभग यहाँ पर हम कह सकते हैं 880 रुपये पर, और 880 और आज का बड़ा करेक्शन, पिछले काफ़ी समय से इसके अंदर हमें करेक्शन ही देखने को मिला है। स्टॉक ने जो लिस्टिंग के बाद में कमाई कर दिखाई वो काफ़ी सुपर है। लिस्टिंग हुआ है स्टॉक 600 के करीब, फिर गिरकर आ गया 400 पर, और आज देखिए डबल है, यानी कि पैसा निवेशक का बम्पर छाप कर टेगा इंडस्ट्री ने दिया। और आप भी अगर वक्त देंगे इस कंपनी को तो ये पैसा बनाकर देने की पूरी क्षमता इस कंपनी के अंदर दोस्तों ज़रूर है। और वैसे तो हम अगर इसके फाइनेंशियल को भी मैं आपको बता दूँ तो एक भी यहाँ पर फैक्टर ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम कह सके कि कंपनी के फाइनेंशियल में कोई यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट नहीं है बोलकर, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट है। ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट बढ़ रहा है, और कंपनी के यहाँ पर हम सेल्स के भी नंबर देखें तो वो ठीक ठाक ही थे। अभी आने वाले रिजल्ट को भी देखिए दोस्तों, जिससे आप अच्छे से डिसीजन अपने ले पाए। आई होप आप टेगा इंडस्ट्री के बारे में समझ रहे हैं और इसके अंदर के स्ट्रेंथ को भी अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं। तो ज़रूर ऐसे कंपनियों पर नज़र रखिए जिनके अंदर पोटेंशियल है।